हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज मेरे कज़न ब्रदर का इंगेजमेंट है। तो डायरेक्ट अब वही मिलते हैं आप लोगों से और मैं दिखाती हूँ कि हमारा इंगेजमेंट पार्टी कैसा होता है, वहाँ के नियम कैसे कैसे होते हैं। तो चलिए मिलते हैं। घर के सारे बड़े बुजुर्ग दोनों दूल्हा दुल्हन को प्रेयर सॉन्ग गाते हुए स्टेज पर ले जाते हैं और उनके साथ दो लड़के और दो लड़के और होते हैं उनका साथ देने के लिए। पहुँचने के बाद सभी जोड़ों को चटाई की चारों ओर घूमना होता है। टोटल तीन राउंड। कांसे के प्लेट में, कांसे के लोटे में पानी होता है और जिससे दुल्हन के मौसी जी उन्हें पकड़ाती है सबों को एक एक करके। प्रवीण को पसंद करती हो तो एक कदम आगे बढ़ा, दाहिना दाहिना। अच्छा, अभी देख रहे हैं कि हम लोग पहला स्टेप जा चुके हैं और अभी भी हम मौका देते हैं कि ये लोग अभी भी है ना, बस अगर किसी का दबाव हो या किसी का जो हो तो अभी भी मौका देते हैं कि भैया कोई जबरदस्ती तो नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे मेरे प्रिया का कहना है कि कोई जो भेदभाव नहीं है, मेरे अपने राजी खुशी से मेरे कदम बढ़ाई है। अरे ठीक है, सचमुच से हमारे
संपत्ति है तो बढ़ा सकती है। तो अभी हम लोग दूसरा कदम बढ़ा चुके हैं और अभी भी मैं यही प्रश्न पूछूंगा कि क्या इसमें कोई जबरदस्ती और दबाव तो नहीं है, अगर अभी भी अगर नहीं पसंद है तो तुम पीछे लौट सकती है, कदम पीछे लौटा सकती है। तो इसमें कोई जो दबाव नहीं है और अगर पसंद है तो यहाँ पर हम लोग अभी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे लोटे के बर्तन को आदान प्रदान किया जाता है। लोटे के अंदर जो पानी होता है कांसे के प्लेट में दुल्हन द्वारा दूल्हे के पास से धोया जाता है। इसी के साथ लोटे पानी को तेरे लहे यीशु तोर से प्यार हे मनवा होवे ना निरास, तेरे लहे यीशु तोर से प्यार, तेरे लहे यीशु तोर से प्यार। असुना भावे गिर नहीं जावे असुना। यहाँ पर सभी लड़के पार्टी वाले लोग दुल्हन को साड़ी ढकते हैं। यहाँ पर दूल्हे दुल्हन के पार्टी वाले एक दूसरे के मेहमानों के साथ थोड़ा सा मस्ती मजाक करते हैं, जिसमें पाउडर लगाया जाता है, हीरो हीरोइंस के फोटो दिखाए जाते हैं और हाथों से बनाया हुआ माला, एयर रिंग्स पहनाए जाते हैं। पर घर के बड़े गार्जियन को हाथों से बनाया हुआ मुकुट पहनाया जाता है। ये दोनों जिनको मुकुट पहनाया गया है ये दूल्हे की चाचियां हैं। और अभी जिन्हें पहनाया जा रहा है वो दूल्हे की मौसी है, ये दूल्हे की मम्मी। और यहाँ पे दोनों पार्टियों के पंचगण एक दूसरे से बात विचार कर रहे हैं। मामा जी के द्वारा दूल्हे को पगड़ी पहनाया जाता है।
खाने पीने में सहायता और मदद किया, और अब ये हमारा दायित्व बनता है कि हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाकर उसकी महिमा कर सके। ना खा रहे हैं उनको छोड़कर बाकी लोग खड़े हो जाएंगे और हम लोग एक प्रार्थना के साथ हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे आने वाले समय में कि दोनों परिवार का ये रिश्ता युवा संपन्न होने तक उनके साथ प्रभु की आशीष बनी है। तो हम धन्यवाद देते हैं इसी के साथ और अपने सब को अंत करते हैं। धन्यवाद, आप सबको बहुत धन्यवाद। एक बार विदाई का प्रार्थना हो गई, आप विदाई का दर्शन भी अदा करते हैं। दुल्हन के घर वालों की तरफ से दूल्हे के घर वालों को विदाई गिफ्ट दिया जाता है। Thank you.